अक्सर हम सुनते हैं कि जल है तो जीवन है, इसलिए कहते भी हैं कि बूंद बूंद बचाइए। कई फिलोसोफर इसी जल संकट को थोड़ा और दूर तक देखते हैं। वो कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध परमाणु बम या पेट्रोल पर नहीं बल्कि पानी को लेकर होगा। देश की राजधानी में पानी का त्राहिमाम आप पिछले डेढ़ महीने से देख रहे हैं। इसी दिल्ली में पानी को लेकर पानी की बर्बादी वाली तस्वीर भी आज हम आपको दिखाएंगे। पानी की प्यास अब खून भी बहा रही है। दिल्ली के पड़ोस में गाजियाबाद में सिंचाई के पानी को लेकर दो लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन इन तस्वीरों से पहले आपको पानी की ताजा पॉलिटिकल पिक्चर भी देखनी चाहिए। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी दो दिन से अनशन पर है। आज उनके अनशन में हंगामा हो गया। इस अनशन में आम आदमी पार्टी दो दिन से दिल्ली जल संकट के लिए केंद्र सरकार को कोस रही थी, लेकिन इसी दौरान दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस के पूर्व कर्मचारी पहुंच गए और उन्होंने नारेबाजी करके वहां अरविंद केजरीवाल सरकार को कोसना शुरू कर दिया। दिल्ली के लोगों के प्यास पे डाका डाल लगता है, इसलिए मेरा अनुरोध है दिल्ली पुलिस से कि लोगों को यहां से रोक दे, कि वो अपनी कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई बनती है वो करें, और अपने साथियों से अनुरोध रहेगा कि जो यहाँ अधिकारी हैं, पुलिस के जो नौजवान हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से आज के इस अनशन को डिस्टर्ब। दरअसल सिविल डिफेंस के पूर्व कर्मचारी 8 महीने से बेरोजगार हैं। इनका आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने इन्हें बड़े बड़े वादे किए थे। ये पूछ रहे थे कि अगर पानी जरूरी है तो क्या उनकी सैलरी जरूरी नहीं है। यहां तनाव तब बढ़ गया जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनसे धक्का मुक्की शुरू कर दी। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग भीषण गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, और इसी पानी को लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब गुत्थम गुत्था है। दिल्ली में पानी वाली पॉलिटिक्स इस वक्त चरम पर है। अब इस पानी वाली पॉलिटिक्स का यह हाल हो गया है कि पानी के लिए पानी ही बहाया जा रहा है। जिस पानी के इंतजार में दिल्ली के लोग बैठे हैं, उसी पानी को सड़कों पर बहाया जा रहा है। पुलिस ने पानी की बौछार की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई। हर कोई अपने बदन को ठंडा ठंडा कूल कूल करता हुआ नजर आया। देश की राजधानी दिल्ली में ओखला जल बोर्ड पर बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया, जिन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस पहले ही पानी लेकर तैयार बैठी थी। बैरिकेटिंग की एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता। फिर क्या था, जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेटिंग तोड़ी, पानी की बौछार शुरू कर दी गई। शायद बीजेपी कार्यकर्ता इसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भीषण गर्मी थी और भीषण गर्मी में पानी की बौछार हो जाए ऐसा वो सोच रहे होंगे। बीजेपी कार्यकर्ता भी दरअसल यही चाहते थे, किसी को समझ ना आए इसलिए वो पानी का मजा लेते हुए नजर आए और इधर उधर गिर गए। लेकिन कुल मिलाकर मकसद एक ही था, अपनी सियासत चमकाना। यूपी के गाजियाबाद में सिंचाई के पानी को लेकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक शख्स अभी घायल है। यह विवाद आम के बाग में सिंचाई के पानी को लेकर हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार देर रात एक पक्ष ने बाइक से जा रहे दूसरे पक्ष के 3 लोगों पर फायरिंग कर दी। हमले के वक्त 2 बाइक सवार जान बचाने के लिए नहर में कूद गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी की जा रही है। मरने वाले दोनों लोग पिता और पुत्र हैं। सिंदौड़ा के रहने वाले 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जो एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। जो एग्जैक्ट मोटिव और जो भी सारे अभी तो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है। अतिशीघ्र वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए सभी की गिरफ्तारी तथा जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। हत्या के विरोध में गांव वालों ने गंग नहर के पास जाम भी लगा दिया। मृतकों के रिश्तेदार और गांव के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गोली मारी, 5-5, 6-6 गोली लगी जी। तभी हालत क्या थी? बस दो मर गए, एक अस्पताल में। पुलिस से क्या बात चला? इंसाफ चाहते हैं जी, इंसाफ कुछ कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने रात से, अब लोग कोई भी कुछ वो नहीं करा। 15 घंटे इंसाफ चाहते हैं हम, तो इंसाफ दो। बाग बगीचे में घूमे, किस बात को लेकर विवाद था इनका? कुछ भी नहीं था, पानी के ऊपर था, पानी का वहां था, इनका दूसरे में खोल दिया, इसके ऊपर ही। अब इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तनाव ना बढ़े इसके लिए पुलिस लोगों को समझा भी रही है। Z News.